आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं जो बोलूंगा करण करेगा, करण करेगा ना, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। प्लीज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन ले जाने की क्या जरूरत है? करण ने कोई क्राइम नहीं किया है, इसका तो बस मूड ठीक नहीं है। रुक जाओ प्रीता, यहाँ पर सारे एनजीओ के लोग हैं और साथ में पुलिस वाले भी हैं, सब तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं और तुम इसकी तरफदारी करी? करण लूथरा सबके सामने तुम्हारे इंसल्ट कर रहे हैं। जरा सोचो, अगर हम लोग यहाँ नहीं होते, सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। इंस्पेक्टर, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मेरा बेटा प्रीता के साथ कुछ गलत नहीं करेगा। प्लीज इसको गिरफ्तार मत कीजिए, प्लीज। बाहर आ जाओ। करण उतर, तू दरवाजे के उस तरफ जाके प्रीता के साथ खड़े हो और तुम दोनों साथ में गृह प्रवेश करो। प्लीज जा पुत्र। करण मेरी खातिर चले जा पुत्र, प्लीज। माहिरा, तुम तो बड़ों की कितनी रिस्पेक्ट करती हो, सबका आदर करती हो। तुम्हारे सामने इतनी देर से करीना बुआ इतनी भारी थाल लेकर खड़ी है, उनके हाथ से थाल लेकर नीचे रख दो ना। कम ऑन। अरे लीजिए लीजिए, रखिए। हाँ हाँ रखिए। मैंने आपसे कहा था ना कि प्रीता इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। प्रीता मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरी लकी चार्म है वो। वो जिस चीज पे हाथ रखती है वो चीज सोना बन जाती है। आज मेरे लिए, अपनी माँ के लिए मेरे उस लकी चार्म का मुंह देख ले पुत्र। क्या हुआ, आपका हाथ रुक क्यों गया? माहिरा स्टॉप इट, माहिरा स्टॉप इट। अरे कितनी बार तुम्हें कहूं, कितनी बार समझाऊं कि मुझे गुस्सा मत दिलाए करो। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, किसी की कुंडली का सितारा अचानक से जाग जाता है और वो उसका सितारा स्ट्रॉन्ग होता है। वही प्रीता के साथ हुआ है, इसीलिए वो हमारे सिर पर नाच रही है। अरे ऐसा लगता है कि भगवान खुद उसकी किस्मत लिख रहा है, जिंदगी में उसे कोई अच्छा काम किया होगा। लेकिन एक बात बताओ, पाप का घड़ा भरने जैसी कोई चीज़ होती है क्या? अरे होती होगी, इसलिए तुम्हारा जो पाप का घड़ा ना वो भर चुका है, इसलिए हर वक्त तुम ही फंसी हो, मैं तो बच जाती हूँ। देखना कल सुबह होते थे प्रीता तुम्हें इस घर से निकाल देगी, और अगर घर वाले नहीं मानेंगे ना तो वो इंस्पेक्टर को बुला लेगी, तुम्हें घर से निकाल देगी। क्या बोलती जा रही हो तुम, कौन सा पाप का घड़ा? मेरा कोई पाप का घड़ा नहीं भरा है। क्यों, क्यों नहीं भरा है? क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है शर्लिन। मैं करण से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और मैं उस प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और क्या कह रही हो तुम, प्रीता मुझे इस घर से धक्के मार के निकालेगी? मैं उसे निकालूंगी, मेरे पास प्लान है। महाराज कौन सा प्लान? प्रीता को कल सुबह धक्के मार के मैं निकालूंगी, एंड इट्स माय चैलेंजर, और उस इंस्पेक्टर को भी।
कल सब यहाँ खड़े होकर देखेंगे और मैं प्रीता को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मायरा तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो, बात कल सुबह की है ही नहीं, बात आज रात की है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है। सुहाग रात, आज करण और प्रीता की सुहाग रात है। एक मिनट, क्या हुआ प्रीता, तुमने इन्हें रोक क्यों दिया? तुम इस घर की बहू हो और तुम्हारा स्वागत वैसे ही होगा जैसे एक बहू का होता है। अगर इनके हाथ रुक गए तो इसमें तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशान नहीं है ये, एक्टिंग कर रही है। ये यही एटीट्यूड ऋषभ, तुम्हारे भाई के इसी एटीट्यूड की वजह से मैंने कहा है कि मुझे बार बार इस घर में आना पड़ेगा, यही देखने के लिए कि कोई प्रीता को प्रताड़ित ना करे, कोई उसे परेशान ना करे। चलिए कीजिए अपने बहू का स्वागत, हम सब यही हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैंने ये रस्म इसलिए नहीं रोकी है कि मुझे किसी के एटीट्यूड से प्रॉब्लम है या राखी माँ के बिहेवियर से। ऐसी कोई बात नहीं है, बात यह है कि जब मैं अपने घर से यहाँ आने के लिए निकली थी तो मेरी माँ वहाँ बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जानती थी कि मैं लूथरा परिवार के पास जा रही हूँ, उसी घर में जा रही हूँ जहाँ से आज ही मुझे धक्के मार के निकाला गया है। तो वो बहुत घबराई हुई थी, और अब जब सब कुछ ठीक हो गया है और मेरे घर में इतने अच्छे से मेरा गृह प्रवेश हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि ये सब मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे घर वाले भी देखें, ताकि मेरी माँ ये देखकर खुश हो जाएं कि उनकी बेटी सेफ है और खुश है। वाह, क्या बात बोल दी, दिल को छू गई। एक आइडल बेटी ही ऐसी बात बोल सकती है। जो बेटी इतनी अच्छी हो, सोचिए बहू कितनी अच्छी बनेगी। फेले? और मैं यहाँ 2 घंटे खड़े होकर इंतजार करूंगा। हाँ, 2 मिनट के लिए रुक जा, वो सरला माँ को फोन कर रही है, उनको अपना गृह प्रवेश दिखाना है, 2 मिनट के लिए रुक जाना। करण, प्रीता जी आप फोन कीजिए। गायत्री जी मेरा फोन दीजिए। हाँ मेरा फोन। एक तो किसका फोन है, किसका है? दी का फोन है। हाँ तो फिर देख, उठा ना, वीडियो कॉल है। तो देख मुझे दिखा कैसे करते हैं। ऐसे इसको ऊपर करो, इसको ऊपर करो। हाँ माँ। हाँ प्रीता, अरे चंगिंडी जल्दी आओ। माँ यहाँ मेरा गृह प्रवेश हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग देखें। प्रीता सफा पर ठीक है ना, तू ठीक है ना? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी। आंटी जी आप प्रीता को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ये बहुत ही स्ट्रांग लड़की है, इसमें अंदर बहुत हिम्मत है। और आज ये इस घर में एक बहू और बेटी के रूप में प्रवेश कर रही है, और मैं आपको आश्वासन देती हूँ इसको जरा भी आंच नहीं आएगी। आंटी आप क्यों रो रही है, ये तो खुशी का मौका है ना, आज प्रीता का गृह प्रवेश हो रहा है, आप खुश होके देखिए ना। चलो चलो कोई बात नहीं, अब सबने रो लिया, आप मेरे को दीजिए, मैं सरला आंटी को आपका गृह प्रवेश दिखाता हूँ। मॉम मुस्कुरा के प्रीता जी का वेलकम कीजिए। आप अपने दाहिने पैर से इस अक्षत के कलश को घर के अंदर की तरफ गिराओ और फिर घर में प्रवेश करो, उसके बाद
इस कुमकुम के थाल में अपने पैर रखो और घर में आ जाओ। तुम आओगी तो तुम्हारे साथ साथ लक्ष्मी आएगी। सरलांटी, ग्रह प्रवेश की सारी रस्में पूरी हो गई हैं। अब दोनों हमारे घर के बड़ों से आशीर्वाद लेंगे। क्या हुआ, आप सब लोग इतना शॉक क्यों हो मुझे देख के? अच्छा, आप इसलिए शॉक हैं कि मुझे इन रस्मों के बारे में कैसे पता? आप लोगों ने शादी कराई है मेरी, कैसे नहीं पता होगा? ये ऋषभ को क्या हो गया, ये शादी से इतना खुश क्यों है? प्रीता, अब आशीर्वाद ले लो बड़ों का। जीते रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा एक साथ रहो। हमारे घर के सारे बड़ों ने आशीर्वाद दे दिया, अब आपकी बारी है। आप भी दिल खोल के बहुत सारा आशीर्वाद दे दीजिए। प्रीता को हमेशा खुश रखना, कभी तो कीमत करना, बहुत चंगी है, बहुत चंगी। प्लीज मेक श्योर मेरे दिल की आंखों में कभी आंसू नहीं आए, वो जैसे हंसती खेलती पहले रहती थी बिल्कुल वैसी होना चाहिए, बता रही हूँ मैं। हाँ सरला आंटी, वैसे तो ये बात मेरे बड़ों को बोलनी चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आपके घर की बेटी हमारे घर में आई है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन ऑफ यू। अब तो हम रिश्तेदार हो गए हैं ना? Thank you, Sarla Aunty. Thank you very much. Bye, Rishabh ji. Bye, ji. Bye. Preeta ji, welcome home to your home.
कंग्रेचुलेशंस प्रीता, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। तो अब हम चलते हैं, पर हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ आज के लिए, क्योंकि मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई और ना ही मेरा फ़र्ज पूरा हुआ है। मैं यहाँ बीच बीच में आती रहूँगी ये देखने के लिए कि प्रीता के साथ सब ठीक हो रहा है। कर्ल लूथरा, कंग्रेचुलेशंस। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैंने आपके सारे मैचेस देखे। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये इनिंग्स भी देख पाऊँगी। आई विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। Thank you, Inspector. Thank you. Thank you. Thank you. मैंने तरह चाहिए माँ। लो जी। तेरी बिना मीठे के बधाइयाँ होती है। अरे मीठे के बिना बधाइयाँ कहाँ होती है, और आज तो डबल सेलिब्रेशन। पहला दी अपने ससुराल फाइनली चली गई, और दूसरा वहां पर सबने दी को एक्सेप्ट कर लिया। माँ ये लीजिए लड्डू। लो ना पेंजी, अब तो सारी रस्में हो गई, गृह प्रवेश का शगुन भी हो गया, और वो जमाई जो अपने को पराया बना फिरता था, आज वो भी आपका हो गया। ओए मेरी मम्मा। वैसे भी एक और एक रस्म बाकी है जो आज रात पूरी हो जाएगी। अब कौन सी रस्म बाकी? मर जानी वो बता भी दे। अब पता नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। बता भी। अरे वही वाली जानकी आंटी। महेश अंकल, अब मैं आपको कभी अंकल नहीं बुलाऊंगी। आज से मैं आपको वो बुलाऊंगी जो हमारा रिश्ता है, जो मैंने हमेशा आपको समझा, मेरे पिता, जो मैं अपने पिता को बुलाती थी पापा। आज से मैं आपको पापा बुलाऊंगी, और पापा अब आपकी बेटी इस घर में आ गई है और हमेशा आपकी नजरों के सामने रहेगी, और आप मेरी नजरों के सामने। अब आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अब आपके साथ क्या, इस घर के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं इस परिवार के सामने, इस परिवार की ढाल बनकर खड़ी रहूंगी और कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे बहुत हिम्मत की जरूरत है, और वो हिम्मत मुझे आपसे चाहिए, आपके आशीर्वाद के रूप में। बेटी को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पापा, कि इस घर को बुरी नजर से देखने वालों की आंखें नोच लूं मैं, इस घर का बुरा सोचने वाले दुश्मनों से लड़ सकूं मैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में हमेशा सच की, हिम्मत की, रिश्तों की जीत हो, एक दूसरे के लिए जो दिलों में प्यार है उसकी जीत हो, हमेशा जीत हो। आयरा, क्या हुआ, क्या सोचने लग गई? शालिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? सुबह उसको देख लूंगी मैं, लेकिन आज रात को मैं रात तो अपनी घड़ी से डिलीट नहीं कर सकती ना। और मुझे पता है प्रीता इतनी स्मार्ट लड़की, इतनी चालू है ना, वो करण के पास जाने की कोशिश करेगी, और बाय चांस उनके बीच में कुछ नहीं। सुनो मेरी बात मानो, करण प्रीता के साथ एक कमरे में एक बिस्तर पे ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। करण प्रीता को घर के आसपास भी नहीं देखना चाहता। अरे करण तो प्रीता का चेहरा भी नहीं देखना चाहता।